ये बनाओ ये चुनाव क्यों होता है, 5 साल में चुनाव क्यों होता है और आपको वोट किस लिए डालना होता है? आपको ये पूछने के लिए चुनाव नहीं होता है कि आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं। अगर आपसे ये पूछने के लिए चुनाव होता या मुझसे पूछने के लिए चुनाव होता कि निरहुआ तुम्हारी बिरादरी क्या है, क्या तुम अखिलेश यादव के बिरादर हो, तो मैं अखिलेश भैया का बटन दबा देता कि हाँ मैं अखिलेश भैया का बिरादर हूँ। अगर आपको ये पूछने के लिए चुनाव होता कि क्या आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, तो आप जो धर्म से हैं वो बटन दबा देते कि हाँ हम हिंदू हैं, हाँ हम मुसलमान हैं। पर ये चुनाव इसलिए होता है कि आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए, ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि आपको क्या लगता है इस देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी। तो मुझे लगता है कि इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से चलाया है, सबकी समस्याओं को सुलझाया है, चाहे वो हमारी माताएं बहनें जो गांव में रहती हैं उनकी समस्या क्या है उनको अच्छे से पता है और उन्होंने सुलझाया है, घर घर में शौचालय बनवाया है जी, बनवाया है, आवास दिया है जी, गैस कनेक्शन लगाया है जी, उनको पता है कि एक गरीब के पास ये सुविधाएं नहीं है और इसलिए उनको तकलीफ होती है, तो आपकी तकलीफ वो आदमी समझते हैं। तो जब ये पूछा जा रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो मैं ये बताने के लिए आया हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी होने चाहिए। जब सभी लोगों को लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा कि आपकी राय क्या है, जब आप उस कमल के निशान को दबाएंगे, दबा के आप बता देंगे कि हाँ हमें नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री चाहिए। तो राजा बाबू में जब हम बम्बई जाई ला तो रवि किशन भैया हमसे सवाल पूछल और हम जवाब दे ला के बनी करो। आज हम आप लोग से सवाल पूछब और आप लोग जवाब दिया, मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ और जो सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। 2019 में कौन बनना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री? एकदम सही जवाब, और आप लोगों ने जीत लिया इस दुनिया का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री।